हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आपने मान लिया है कि हम फेल होंगे, आप फेल जरूर होंगे। आपने मान लिया है कि हम पीछे गिरेंगे, आप निश्चित गिरेंगे। आपने मान लिया है कि हम ऊपर नहीं उठ सकते, आप नहीं उठ सकते। आपने मान लिया है कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं रहेंगे। आपने मान लिया है कि टीचर मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझे डांटते हैं, आप फिसलते चले जाएंगे। लेकिन आपने ठान लिया है कि हम जीतेंगे और टॉपर बनेंगे, हम खेलेंगे और स्पेशल प्लेयर बनेंगे, हम जिस लाइन में भी जाएंगे सक्सेस लेकर के आएंगे। ठान लेने वाले जीतते हैं, मान लेने वाले हारते हैं। आपको क्या करना है? जीवन में ढेर सारी कठिनाइयां आएंगी, ढेर सारी परेशानियां आएंगी, और आपने मान लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने ठान लिया कि इस कठिनाई से भी मुकाबला करके हम आगे जाएंगे, निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे और सफलता पाएंगे। एबीसीडी महाराज जी बता रहे थे, और समय कम था नहीं तो पूरे एबीसीडी एफजीएस पूरा 26 अक्षर पर बताते कि ए फॉर एस, एस मींस ए फॉर एस, एस एस मंजे, एस मींस गधा, ए डबल एस है ना, ए डबल एस मतलब क्या होता है? भारतीय गधा। और ए जो आजकल हम देख रहे हैं केवल इंग्लिश इंग्लिश की जो बात है, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इंग्लिश पर इतना जोर क्यों दे रहे, वो कहने लगे कि आजकल लोगों का रुझान इसी चीज का है। हमने कहा रुझान तो जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा, हम अपने देश की भाषा को भी ऊंचा स्तर दे सकते हैं। हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। उन्होंने कहा महाराज जी कोशिश करेंगे, हम लोगों को जिस तरह ढालना चाहें वैसे ढलेंगे। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन हिंदी का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी। हिंदी भी आना चाहिए। ए फॉर एस, एस मतलब होता है गधा, कौन सा गधा? भारतीय गधा। और सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने वाले जो होते हैं, ना संस्कार लेते हैं, ना नीति सीखते हैं, ना धर्म सीखते हैं, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में पढ़े रहने वालों का आखिरी अक्षर कौन सा होता है? जेट, जेट, जेट फॉर जेब्रा। जेब्रा कौन सा गधा है? अफ्रीकन गधा। मतलब है केवल एक ही चीज के पीछे पड़ जाने वाले, केवल इंग्लिश इंग्लिश के गीत गाने वाले हिंदी गधे से ज्यादा अंग्रेजी वाला गधा बन जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी हो, संस्कृत भी हो, संस्कार भी हो, रीति नीति भी हो, माता पिता के संस्कार भी हो, तो एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा भारतीय नागरिक बनेगा। मतलब है कि आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना है, किताबों के साथ साथ संस्कार भी सीखना है, आचार विचार की शुद्धि पर ध्यान भी देना है। इंग्लिश के शुरू के चार अक्षर बोलिए आप। ए, ए मतलब होता है एबिलिटी, किस चीज की योग्यता है। सब में योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति ठीक लाइन पकड़ करके किसी भी स्तर तक ऊंचा जा सकता है। आज मुनि बैठे हैं, कभी स्कूल में पढ़ते थे, मम्मी पापा के पास रहते थे,
लेकिन महावीर भगवान का रास्ता अच्छा लगा और तपस्वियों का सानिध्य मिला तो मुनि बन गए और तपस्या कर रहे हैं। अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत का पालन करते हैं, अपने हाथ से ही अपने केस लॉन्च करते हैं, बाल भी किसी से नहीं कटवाते हैं, अपने हाथ से निकालते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं। इतनी योग्यता है कि महावीर स्वामी की तरह जीने की कोशिश करते हैं। आपके टीचर्स हैं, उनमें इतनी योग्यता है कि आप जैसे अनेक विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता आप में भी है कि आप कोशिश करते जाएंगे तो IAS IPS करके कलेक्टर और SP भी बन जाएंगे। एबिलिटी है। और एक के बाद आता है बी। वी का मतलब होता है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है जन्म। बर्थडे, बर्थडे जन्म दिवस। वी फॉर बर्थ। और वी के बाद आता है सी के बाद आता है डी। डी फॉर डेथ। वी और डी के बीच में है सी, कैरेक्टर। जन्म हुआ है और मृत्यु भी निश्चित है। इन दोनों के बीच में सी एक बात सिखाता है। सी 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 मतलब देखिए, अपने आप को देखिए। सी का मतलब कैरेक्टर भी होता है। कैरेक्टर मतलब अपने चारित्र को सुधारिए, आप अपने आप को निखारिए और निखर निखर करके इतने निर्मल बन जाइए कि जैसे मार्केट में सोने की वैल्यू होती है ऐसे समाज में आपकी भी वैल्यू हो। केदारनाथ की तरह दृढ़ता और बद्रीनाथ की तरह विशालता के साथ साथ सम्मेष शिखर जैसे संस्कार भी जीवन में होना चाहिए। अष्टापद जैसी ऊंचाई भी जीवन में होना चाहिए। विद्यार्थियों, एक सूत्र बताएंगे आपको, एक दोहा। कम सोना, अगर सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, सफल होना है तो क्या करना? कम सोना, कम खाना, कम सोना, कम टीवी से प्रीत। आप लोग लिख लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कम खाना, कम सोना, कम टीवी से प्रीत, कम मोबाइल खेलना, ए विद्यार्जन रीत। लेटेस्ट कविता है ये दोहा, तो पुराना दूसरे ढंग का है, लेकिन क्या कहा, कम खाना। आप देखिए बच्चों को, विद्यार्थियों को कहीं भी कुछ भी मिला, गफर 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 गफर, अरे वो चीज तुम खा रहे हो उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें किस टाइप के एसेंस हैं, उसमें कौन सी चीज मिली हुई है, उसमें क्या वस्तु है, वो तुम्हारे माइंड को किस ढंग से टेक करेगा, तुम्हारे जीवन को कैसे मोड़ेगा, तुम्हारी जीवन को, तुम्हारी जीभ को। भाई बाजार वाले लोग तो अपनी चीजें बेचने के लिए पैकेट में स्वाद के नाम पर कुछ भी मिलाते हैं, और ऐसी चीजें स्वाद के नाम पर मिलाएंगे कि आपके जीभ को आदत लग जाएगी, मुझे यही खाना है। मम्मी के हाथ की चीज भी अच्छी नहीं लगेगी आपको। बाजार की चीजें नहीं खाना चाहिए। मांस, अंडा, मछली जैसी चीजें तो कभी छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन बाजार की चीजें जिसका आपको पता नहीं है कि इसमें क्या मिला हुआ है, वो वस्तु भी नहीं खाना चाहिए। आपको नुकसान करेगी, आपकी आदत बिगड़ जाएगी। कम खाना, कम खाना मम्मी से, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना, माँ के हाथ का खाना। होटल्स वाले भी क्या लिखते हैं, घर जैसा खाना। और लोग समझते हैं होटल को अच्छा समझते हैं,
घर जैसा खाना है, माने माँ बाप मम्मी पापा के हाथ से ही खाना, उनके हाथ का बना हुआ खाना। दिन में दो बार भोजन कर लिया, तीन बार भोजन कर लिया, बस बार बार खाना। बार बार खाने का मतलब है बार बार खाना, अस्पताल जाना। एक बार खाए सो योगी, जो 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, जैसे मुनि महाराज 24 घंटे में कितने बार खड़े खड़े अपने हाथ में भोजन पानी करेंगे, फिर चले जाएंगे मंदिर में या जंगल में बैठ के ध्यान करेंगे, अगला दिन देखेंगे। फिर एक बार, एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी। भोगी माने घर में रहने वाले लोग, मम्मी पापा दादा दादी सब, दो बार खाएंगे, ज्यादा बार नहीं खाएंगे। तीन बार खाए सो रोगी, बीमार आदमी तीन बार भी खाते हैं, दवाई खाते हैं। और बार बार खाए उसकी, एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, तीन बार खाए सो रोगी, बार बार खाए पता नहीं उसकी क्या दशा होगी। क्या दशा होगी उसकी? अरे कुछ गंदे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मुंह में पाउच गुटखा तंबाकू सुपारी डाल लेंगे, दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाते रहेंगे। बकरी किस किसने देखी? सब लोगों ने बकरी देखी ना, बकरी बस जहां पत्ते देखे खाओ। हम दिन भर, अब बताइए अपन इंसान है कि जानवर है? इंसान की तरह अपना खान पान होना चाहिए, इंसान की तरह पहनावा होना चाहिए, इंसान की तरह लोक चाल होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। एक बार अच्छे से खाना खा लिया, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना काम करो। कम खाना कम सोना, कितना सोना चाहिए? कम सोना चाहिए। कितना कम सोना चाहिए? बहुत कम नहीं, कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। 10 बजे सो जाना चाहिए और 4 बजे उठना चाहिए। अगर और कोई आलसी बच्चा है तो 7 घंटा सो सकता है, ठीक है? अब हमसे पूछो, हम कितने बजे सोते हैं? हम कितने बजे सोएंगे? मतलब मुनि महाराज कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे? ना, हम तो 2 बजे भी उठ जाते हैं, 3 बजे भी उठ जाते हैं। हमारा तो काम तप करना है, लेकिन आपका पढ़ना है, आपसे जल्दी उठना हो तो ठीक है, नहीं तो 4 बजे 5 बजे तो हर हाल में उठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ध्यान रखना, जो सूरज को जगाते हैं वो ही जिंदगी में तरक्की पाते हैं। जो सूरज को जगाते हैं, सूरज को जगाना मतलब सूरज सोया है क्या? नहीं, सूरज के आने के पहले जो उठ गया, इसका मतलब है उस इंसान ने उगते हुए सूरज को देखा। और जो उगते हुए सूरज को देखते हैं जीवन में हमेशा वो उन्नति करते, तरक्की करते, उगते हैं, उन्हें उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो देखते हैं सूरज चढ़ता है। इसलिए कभी भी सनसेट नहीं देखना चाहिए, जाता हुआ उतरता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए। हमें उतरना थोड़ी है, लोग सनसेट देखने के लिए कहाँ जाते हैं? सनसेट नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? सनराइज देखना चाहिए, बिल्कुल। और हम तो देखते हैं साहब, हम तो रास्ते चलते चलते भी जैसे सूरज उगता है ना, तो मुनि महाराज कभी इधर उधर नहीं देखते हैं, नीचे देख के ही चलते हैं ताकि पाँव से कोई कीड़ी जीव जंतु ना मर जाए, किसी को तकलीफ ना हो, नीचे ही देख के चलते हैं। लेकिन हम जब सूरज उगता है ना, तो नीचे देखने के बाद एक बार सूरज की तरफ देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, मतलब अपने व्रत का भी पालन करते हैं। और उगते हुए सूरज को भले खड़े होके देखेंगे, लेकिन उगते हुए सूरज को जरूर देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखो आप,
कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के पीछे एक सोने जैसा गोला धीरे धीरे बाहर आता है और थोड़ी ही देर में आसमान की ऊंचाइयां छू जाता है। इसका मतलब है इस जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा कि कितने ही संकट के पहाड़ खड़े हों, हिम्मत रखो, हिम्मत रखोगे तुम भी सूरज की तरह उदित होकर के बाहर आओगे। कितना भी घोर अंधकार हो लेकिन भोर जरूर होगी, इसलिए घबराना नहीं। कई लोग जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हैं, आक्रोश करते हैं, समझदारी से पेश आओ ना। और अविवेक, अविवेक मतलब क्या होता है? विवेक मतलब क्या होता है? विवेक मतलब बुद्धि। अविवेक मतलब क्या होता है जी? अविवेक मतलब ना समझी। आपने यूं मोबाइल लिया, मम्मी कह रही थी बार बार, मोबाइल छीन रही थी, मोबाइल मत खेलो, स्कूल का टाइम है, परीक्षा का टाइम है, लाओ मोबाइल। गुस्से गुस्से में आपने लिया मोबाइल, लियो, क्या हुआ? अविवेक और आक्रोश में मोबाइल पटक दिया, नुकसान किसका हुआ? मम्मी का नुकसान हुआ, पापा का नुकसान हुआ। ओ मम्मी पापा किसके हैं? वो तो आपका नुकसान नहीं हुआ। अरे भाई अब जो मोबाइल टूट गए तो हफ्ते भर तुमको ही तो मोबाइल खेलने और देखने को नहीं मिलेगा ना, कभी जब सुधरेगा, जभी कब है। गुस्से गुस्से में डब्बा पटक दिया, लंच बॉक्स फेंक दिया, बस्ता पटक दिया, नुकसान किसका होता है? खुद का होता है। कभी कभी गुस्से में अपने सिर को अपन मार लेते हैं, फोड़ लेते हैं। कौन कौन अपना सिर फोड़ता है? इतने सारे बच्चे, आदिनाथ स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने सिर्फ। लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो कोई भी स्कूल के बच्चे क्या हो, टीचर हो, वो भी अपना माथा कूटने लगते हैं। गुस्से में कहो अपने को नोच लें, कहीं से कहीं कूद पड़े, भागने लगें, पीटने लगें, गाल पर तमाचे लगें। ऐसा क्यों होता है? आक्रोश में होता है। आक्रोश नहीं करना, अविवेक नहीं करना, नुकसान किसका हो रहा है बोलिए। अच्छा आपस में भी आप लोग कभी एक दूसरे से ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब क्या होता है? किसी से मनमुटाव कर लिया, गाली दे दी, तमाचा लगा दिया, पत्थर फेंक दिया, इसे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। अच्छे खासे दोस्त ना दूर चले जाते हैं। इसलिए शांति होना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए। विद्यार्थियों कम सोना, अर्ली टू बेड, बोलो फिर आगे क्या है? अर्ली टू राइज, उसके आगे क्या है? मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड